सर ऐसे ही सभी चैप्टर्स के लास्ट एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया करो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। विपिन डन है सर, आपने पिक्स शेयर नहीं की, आशी कर देता हूँ। संजीवनी गुड मॉर्निंग, युति गुड मॉर्निंग, तुषार गुड मॉर्निंग, भरत गुड मॉर्निंग, एवरीवन इन। कैन आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर गाइस? चैप्टर लिखिए, प्रैक्टिकल बुक में लिखना है गाइस, फाइनेंशियल। आप लोगों को सर की वॉइस आ रही है? अनीशा ऑफ कोर्स, स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, शशांक गुड मॉर्निंग, शशांक किस तरह गाइस, दैट्स आई हैव टू रिमेंबर। स्नेहा गुड मॉर्निंग, सिद्धिका गुड मॉर्निंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एएस कॉपी का यूज अब खत्म नहीं, पटेल वहां पे एएस 11 आएगा, अभी भी एक चैप्टर बाकी है। स्नेहा गुड मॉर्निंग, सिद्धिका गुड मॉर्निंग, प्रेरणा गुड मॉर्निंग, शशि ने गुड मॉर्निंग कहा, वही ना आशीष। सेक्शन 128 गुड मॉर्निंग राहुल सर, एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर। आज स्टॉप पढ़ाओगे? Every company should prepare and keep. Yes, madam, Shashi madam, there is Tanu madam, add. It's registered office. Books of accounts. And Ayush, good morning. And other relevant books. हाँ आयुष, साथ में लिखना। Section 129. Financial statement before the company should lay financial statements before the company. अरे पॉपी सर ने बोला मेरे को कि वो बहुत थक गए, दो तीन सेक्शन मैं सिखा दूं, ठीक है? कल पॉपी सर से परमिशन ली है मैंने। फाइनेंशियल statements includes one the balance sheet, two the profit and loss account, three the cash flow statement, the cash flow statement, and four notes to accounts. Chalo guys, are we done with this?
युति मीटिंग प्रेरणा मीटिंग Sushti is waiting for Yukti. Reena is also done. Yukti is also done. Financial statement. Financial statements. Should present. Should. Mahi, good morning. Present. True and fair view. Present true and fair view of state of affairs of the company. First off, good morning sir, network issue ki wajah se late ho gayi. That's okay man, aaj kal network issue bahut logon ko ho raha hai, log network issue ki wajah se last class bhi chhod ke chale jaate hain, fir bata to dete hain. Par Nisha ka network issue hua tha, Rahul ka kya hua tha pata nahi mujhe. मेरे ख्याल से राहुल मिश्रा का नेटवर्क ठीक करने गया था. फाइव जी की वजह से हो रहा है सब कुछ. अच्छा ओके सर, वो एएस के रिवीजन लेक्चर का लिंक दे दो, मुझे अभी तक नहीं मिला. सिद्धिका विल गिव यू दैट. चलो नेक्स्ट वन इज सेक्शन 130. निशा ने अपना बताया, निशा तेरा क्यों बताएगी? निशा का नेटवर्क गया था, तेरा भी नेटवर्क गया था क्या? कितने सेक्शंस है? जरा भी नहीं, दो तीन सेक्शन है, वो भी सेक्शन नंबर याद नहीं रखने आपको. सो जस्ट आई एम गिविंग द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर पटेल. सेक्शन 133. एवरी कंपनी मस्ट कंप्लाई विथ accounting standards, with accounting standards notified by central government from time to time. Every company must comply with accounting standards notified by central government from time to time. Full stop. नेक्स्ट टाइटल लिखना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ profit. Section 197 prescribes the overall maximum managerial remuneration लिखना.
क्वेश्चन 198. थैंक यू स्नेहा. कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ नेट प्रॉफिट. एब्सोल्युटली डन. कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5. सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5. शशांक प्रीवियस पेज पर दिखाता हूँ बेटा, पहले ये ले लेकर. मैनेजिंग डायरेक्टर / फुल टाइम डायरेक्टर प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5B यूपी. कैनॉट एक्सीड 10% to all such directors. Cannot exceed 5% individually. Other directors cannot exceed 1% if there is MD or full-time director. Cannot exceed 3% if there is no MD or full टाइम डायरेक्टर. अभी लिख लीजिए पूरा, जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना एग्जैक्टली आपको. ठीक है, जाके पहन लो. क्यों ठंडी नहीं लग रही है? बोलो आपको एसी में सोता हूं ना, फिर लेक्चर आ जाता हूं नॉर्मल ऑफिस में लेने के लिए. एसी नहीं चलाता हूं इसलिए फिर छींक आती है. यस पारंग तनु, अदर डायरेक्टर कैन यू रीड द पोर्शन. अदर डायरेक्टर्स कैनॉट एक्सीड 1% if there is a managing director, whole time director, and last segment cannot exceed 3% if there is no MD or whole time director. Whole time director maine short form mein likh diya WTD. MD ka matlab hai managing director, thus whole time director. Sir, yahan to Raj nikla hai. What's that, UP? आज किसी को कॉल पर नहीं लिया, अभी तक लिखवा रहा हूँ ना, इसलिए अभी तक मैंने किसी को हैंडरेजी नहीं पूछा. अच्छा, रजाई निकल आई कंबल. ओके, बॉम्बे का टेम्परेचर अभी पता कितना चल रहा है तुम लोगों? ट्वेंटी सिक्स. चलो, कैन आई टर्न द पेज? कैन आई गो अहेड गाइस? नाउ ये हो गया.
ओके वेटिंग दुबई कहाँ भेज दिया तूने मेरे को? अरे तनु टाइम पास। चलो इट्स डन। गुजरात में बहुत रील्स बना है। एब्सोल्युटली मेरी सिस्टर भी थी, मेरी वाइफ भी थी, दोनों जन पागल एकदम। डन चलो कैन आई डन इट। थैंक यू नमन। चलिए शेड्यूल फाइव। शेड्यूल फाइव पार्ट वन डील्स विद कंडीशंस। डील्स विद कंडीशंस टू बी fulfill for appointment of MD or full-time director or manager without approval of central government. This is part one. Part two deals with remuneration of directors. Part three specifies the provisions applicable to part one, part two. Provisions applicable to part one and part two and guys part four deals with central government's power to relax any requirements of the schedule. Good stuff. Thank you. मतलब तुम तो खुश हो रहे हो ऐसे? तुम तो खुश हो रहे हो? तुम पागल हो क्या तुम? माना चलो डन। एवरी वन इज डन। टू गुड। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर सब लोग डन बोल रहे हैं। बढ़िया। पार्ट टू, पार्ट टू सेक्शन वन सब्जेक्ट टू provisions of section 197. It deals with remuneration to MD or MD remuneration to directors slash managers. Section 2 deals with remuneration to directors slash managers not making
sufficient profits, not making sufficient profits, or inadequate profits. Effective capital remuneration, दो कॉलम बनाने, वन नेगेटिव और लेस देन 5 crore रेम्यूनरेशन 60 lakhs, 5 crore बट लेस देन 100 crore 84 lakhs, थर्ड 100 crore बट लेस देन 250 crore 120 lakhs, फोर्थ 250 crore एंड अबव 120 plus 0.1%, नीरज यहां से चालू कर सकता है, लिखना बाद में कर लेना, इन एक्सेस ऑफ 250 crore, ठीक है। करोड़ के बाद क्या है, 250 crore एंड अबाउ, डन है, चलो ग्रेट। तो कैन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल थिंग्स अ लिटिल बिट, यहां वहां समझना चालू कर ले। एनीवन वांट्स टू रेज हैंड, दर्श से बात नहीं हुई, मेरी कॉन्टैक्ट से रुचि से बात नहीं हुई, और कोई नए लोग भी ट्राई कर सकते हैं, दैट्स मोर एडवाइजेबल। सिद्धिका ट्राई करते, एग्जामिनेशन में 20 मार्क के लिए क्यों नहीं आया, तो ये जो अटेम्प्ट गया ना अभी अपना मे का, वहां पे आ गया 20 मार्क के लिए। अब अगर ये इस टाइम आ गया तो इसके चांस अभी कम हो जाते हैं बहुत जल्दी आने के लिए 20 मार्क के लिए, ठीक है। बट आईसीआई कभी भरोसा तो करना नहीं चाहिए, बट आई लव अगर ये चैप्टर 20 मार्क के लिए आता है तो, बिकॉज ये चैप्टर में कुछ खेलने लायक नहीं है, ये चैप्टर का जनरल फॉर्मेटिंग और बेसिक्स आना चाहिए अपने को बस। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि कॉपी सर मिले थे मेरे को पटना, मेरे को बोलते हैं थोड़े तेरे अकाउंट्स के रिलेटेड सेक्शन है उसका तो ध्यान देते हैं, चलो भाई ठीक है, ठीक है। तो बेटा मैंने 5-6 सेक्शन उठा लिए, ठीक है, बहुत छोटे हैं। पहला सेक्शन है 128 कहते हैं हर एक कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में अकाउंट्स की बुक्स रखनी है। मेरे को पता नहीं चला ऑफिसर को इतना बोलने में क्या तकलीफ हुई थी, उन्होंने तो दो दो लेक्चर रखे सर अभी। अरे बाप रे बाप, मतलब अभी तो मैं मेहनत ज्यादा करनी है। हाँ सर, वो भी रात को 10 बजे। रात को 10 बजे, उनको क्या सोचता है लाइफ में यार। चलिए, तो सेक्शन 128 क्या कहता है कि हर एक कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। सेक्शन 129 कहता है कि हर एक कंपनी एक साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग करेगा, और एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ जो कहता है कि हर एक कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करता है उसे फॉलो करना है टाइम टू टाइम। सो देयर आर 3 सिंपल सेक्शंस, कहीं काम नहीं आएंगे बेटा आपको, बट नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी चाहती है 3 सेक्शन के बारे में कुछ लिखा गया। फिर हम लोग एक हेडिंग में जाते हैं जिसका नाम है मैनेजरियल रेमुनरेशन। तो मैनेजरियल रेमुनरेशन ने कहा है कि सेक्शन 197 डील विद मैनेजरियल रेमुनरेशन, की मैनेजर को रेमुनरेशन कितना देना चाहिए। ओके, अब सबसे पहली चीज है कि क्यों है ये सेक्शन, व्हाई डू वी हैव दिस सेक्शन, कि जो आपने को बताया कि हमें लोगों को कितनी सैलरी देनी है।
बिकॉज देखो कंपनी का लॉजिक ना बहुत सिंपल है, कंपनी पैसे लेता है पब्लिक से, तो पैसे कितने पब्लिक है, काम कौन कर रहा है, एम्प्लॉइज, तो भाई कहीं ना कहीं पब्लिक के पैसे से दूसरे लोग मजे ना करें, इसलिए ये सेक्शन होना जरूरी है कि मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए। तो सेक्शन 197 ने कहा कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये नेट प्रॉफिट मतलब कौन सा नेट प्रॉफिट, भाई तो ये नेट प्रॉफिट सीखने के लिए तुमको जाना पड़ेगा तुली सर के पास, बिकॉज ये अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट नहीं लेना, ये टैक्सेबल प्रॉफिट लेना। टैक्सेबल प्रॉफिट जो हम लोग सेक्शन 198 के हिसाब से निकालते हैं, अगर आपको पता हो टैक्सेबल प्रॉफिट का मतलब, तो प्रॉफिट एज पर टैक्स, जहाँ पे एग्जेम्पशन लिमिट्स, ये लिमिट्स, वो बहुत कुछ आ जाता है, मेरे को वो तो समझता नहीं लाइफ में। तो टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना कौन सिखाएगा तुम्हें, टैक्स। वो प्रॉफिट निकालने के बाद अकाउंट्स कह रहा है कि टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 11% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। उसमें भी मैनेजर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करो, पहला कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, जो पूरे कंपनी के लिए लगे होते हैं, थर्ड नेक्स्ट पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स अदर डायरेक्टर्स, देयर आर होल टाइम डायरेक्टर्स, देयर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, ठीक है ना बेटा, ओके, देयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स के लिए तो तुम्हारे पास पूरे चैप्टर होगा लॉन्ग में, ओके, नहीं है, नहीं देखना पड़ेगा, तब तो नहीं है, चलो है ना, तो सो देखा डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर पूरे दिन खाली कंपनी के लिए काम करते हैं, और किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते, अदर डायरेक्टर्स पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, वो कहीं और भी काम कर सकते हैं। अब बेटा सेक्शन 197 कहता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर जितने भी हो, 10 हो, 15 हो, 1 हो, 2 हो, जितने भी हो, सबको मिला के रेम्यूनरेशन कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ नेट, सबको मिला के, और इंडिविजुअली भी किसी एक बंदे को 5% ऑफ नेट से ज्यादा नहीं दे सकते हो। तो अगर कंपनी के पास फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ की 3 MBA, ये तीनों को मिला के कितना नहीं दे सकते हो आप, 10%, और एक बंदे को किससे 5% दे सकते हो। अब 3 MBA को ये जरूरी नहीं है बेटा आपसे देखा कि हम तीनों को इक्वल रेम्यूनरेशन दे, भाई एक को ज्यादा दे सकते हो, दूसरे को कम दे सकते हो, एक को भी ज्यादा दे सकते हो, आप 5 से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर एक पहले वाले को 5 दे दिया तो बाकी के अंदर ही सेट करना पड़ेगा। क्या तीनों को इक्वल दे सकते हो, हाँ तीनों को इक्वल भी दे सकते हो। क्या 4-4-2 दे सकते हो, सब आप कर सकते हो, 10 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और एक बंदे को 5 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, फिर अदर डायरेक्टर का क्या, अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर है तो बाकी सारे मैनेजर्स को 1% से ज्यादा नहीं दे सकते, बिकॉज ओवरऑल 10 का लिमिट रखना है अपने को। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे कंपनी के अंदर, जैसे ये मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर 5 है और अदर डायरेक्टर्स 10 है, ठीक है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बढ़िया। तो ये जो 5 है इन सबको मिला के मैं 10 से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, और अगर यहाँ पे 5 है तो इन सबको 1 से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, तभी तो 11 के अंदर रहेंगे ना, बिकॉज तभी भी एक लेवल पे 11 से ऐसे नहीं है, तो समझ गया, और ये 5 के अंदर भी ये एक बंदे को 5 से ज्यादा नहीं, ठीक है ना, पर अगर ये एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर ही नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर होल्ड टाइम डायरेक्टर ऐसी कोई चीज ही नहीं है, तो ये अदर्स को तुम 3 से ज्यादा नहीं दे सकते, मतलब 1 से ज्यादा दे दो पर 3 से ज्यादा नहीं दे सकते हो, बिकॉज वहां पे 10 तो अभी जा ही नहीं रहा ना बेटा, तो अभी इनको थोड़ा बढ़ा दो यार, मतलब ये लोग थोड़ा ज्यादा काम करेंगे डेफिनेटली, इसीलिए कंपनी को एमडी की जरूरत नहीं पड़ी, क्या कहते हो सर, ये ऑल ओवरऑल को 3% है, इंडिविजुअली को 3%, ये अदर्स को इंडिविजुअली बात ही नहीं है, अदर्स के अंदर इंडिविजुअलिटी के अंदर बात ही नहीं है, खाली एमडी के अंदर इंडिविजुअली बात हुई कि 5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ओवरऑल 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अदर डायरेक्टर्स को अगर कंपनी में एमडी है तो 1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और कंपनी में एमडी नहीं है तो 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, ओके, और ओवरऑल 11 से टोटल ओवरऑल 11 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और प्रॉफिट कौन से सेक्शन से कैलकुलेट होना चाहिए, 198 काम नहीं है, जो लॉ का भी काम है, सिंपल, यस सर, एकदम बढ़िया, यस सर, अच्छा पास, चलो आई, नीरज ने बहुत लेट ज्वाइन किया, सभी का तुमने कितने पेजेस लिख लिए, 2.5 pages लिखी है, तो भाई क्या कहते हैं अपने नीरज सर, आप 2.5 pages छोड़ दीजिए फिर चालू कीजिए, ठीक है बेटा, शेड्यूल 5 की बात बातें करेंगे, तो हम शेड्यूल 5 के बारे में बात है, क्वेश्चन नंबर 1 पे, कैन वी, यस सर, क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग इज अ ग्राफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मुद्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011 रुपीस एंड रुपीस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 8,22,000, डायरेक्टर्स फी, इंटरेस्ट टू डिबेंचर, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, depreciation on fixed assets, provision for tax, general reserve, investment revaluation reserve, and balance carried out, balance of trading profit and subsidies received from the government, depreciation on fixed assets as per schedule 2 of Companies Act 2013 was 575 345,
अब दो डेप्रिसिएशन दिख रहे हैं, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन 543 दिख रहा है, नीचे डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोला है 575345। तो ये दो डिफरेंट क्यों है? ऊपर अकाउंट्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन पर अकाउंट्स है, अकाउंट्स कहता है डेप्रिसिएशन करने के तीन मेथड है, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। टैक्सेशन कहता है वो सब छोड़ो, मैं बोलूंगा वो डेप्रिसिएशन। तो नीचे वाला जो डेप्रिसिएशन वो टैक्स का डेप्रिसिएशन, ऊपर वाला जो डेप्रिसिएशन वो अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजरियल रिमुनरेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। मतलब इन शॉर्ट ना सिद्धिका, देखो ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ही अपने को सेक्शन 197 के 198 के हिसाब से प्रॉफिट बता ले। सो नेट प्रॉफिट लिखेगा नहीं, एज पर सेक्शन 198। ठीक है मैम? यस सर। तो सेक्शन एज पर 198 के हिसाब से हम लोग चालू करते हैं। पहले इनकम लेंगे, सो लुक एट पीएनएल ऑन द राइट साइड बेटा। यस सर। तो बोलिए सबसे पहले इनकम कौन सी आपकी? पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंस लास्ट ईयर का बैलेंस है उसे भूल जाइए, इस साल की नेट प्रॉफिट निकालनी है। तो बोलिए अभी। ओके, बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट पे नहीं आएगा फिर? वो आएगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट, हां। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 40,25,365। बढ़िया। प्लस सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, कितना मिला है सब्सिडी? 2,73,925। अब ये हो गई तुम्हारी इनकम की लिस्ट। इनकम 40,25,365 प्लस 273,925, आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 42 लाख। यस सर। 29,000 290 290 less what administrative selling and distribution expenses abhi to mujhe thoda thoda tax administration selling and distribution PNL mein allowed hai ki nahi hai taxation ke hisab se PNL allowed hai na ha 1,34,780 1,34,780 next interest on debentures interest on debentures bhi allowed hai Interest is a charge. 31,240. Next. Managerial remuneration. अब वही तो हम निकाल रहे हैं। हाँ। तो वो minus मत कर देना। Okay. Because वो जो MD remuneration दिखा रहा है वो ऐसे ही charge करके रखा है उन्होंने। वो provisional है। अभी तो हम calculate कर रहे हैं। तो वो okay. Okay. तो फिर next depreciation on fixed assets. अब depreciation जो भी लोगे वो accounts का नहीं लोगे as per schedule. Schedule 2 लोगे. 5,75,345. उसके बाद? Provision for taxation. वो तो आई नहीं सकता because it should be net profit before tax calculate करना है. और उसके बाद तो appropriations है। ओके, अप्रोप्रिएशन करने के बाद हमें एमडी का रेमुनरेशन नहीं निकालना है, एमडी का रेमुनरेशन निकालना है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, टैक्स पे। तो इसके बाद की वापस कोई भी कहानी नहीं आएगी। तो बहुत सिंपल काम खत्म हो गया बेटा हमारी। 822,544,780 किसी भी एम्प्लॉई को सैलरी देनी है वो टैक्स से पहले दोगे कि टैक्स के बाद दोगे? इट शुड बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 27,35,383 ये हो गया प्रॉफिट। तो हमारा एमडी का मैक्सिमम रेम्यूनरेशन मैक्सिमम का कैन नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो 27,35,383 का 11% इट शुड नॉट एक्सीड 3,8,92। चकास है मैडम? यस सर। मैम दिस सिंपल क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम फॉर 6 मार्क्स, क्लियर? यस सर। चलो मैम कॉपी कर लीजिए फोलियो।
सर लिखे हो गया? हाँ सर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है, और आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिया था कि टोटल मैनेजरियल रेमुनरेशन 11% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर दो तो उनको 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, उनके अंदर किसी भी एक बंदे को 5% से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। फॉर अदर डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो अदर डायरेक्टर्स को अगर कंपनी में एमडी है तो 1% से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, और अगर कंपनी में एमडी नहीं है तो 3% नहीं मिलना चाहिए। बढ़िया। यस सर। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन, अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर टू पे। और क्वेश्चन नंबर टू पे जाने के पहले चले जाते थोड़े पीछे अंडरस्टैंड करने के से शेड्यूल 5 पर। तो एक बार सेक्शन 197 जो कहता है कि टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 11% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर एक शेड्यूल 5 है जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से डील करता है। शेड्यूल 5 के चार पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4। पार्ट 1 डील करता है कि एमडी को अपॉइंट कैसे करना है, पार्ट 2 कहता है कि एमडी का रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए, पार्ट 3 कहता है कि कौन से प्रोविजन है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अप्लाई होता है, और पार्ट 4 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है ऊपर के कोई भी पार्ट में से कोई भी प्रोविजन को रिलैक्स करने का। अब अपने को तो पार्ट 1 2 3 4 से कोई लेना देना नहीं है, वापस पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 किससे डील करता है? रेम्यूनरेशन। वैसे रेम्यूनरेशन से डील करता है, तो वो कहता है कि कंपनी जो अच्छी प्रॉफिट कर रही है ना भाई तुम सेक्शन 197 फॉलो कर लो, बट जो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट कर रही है। अब फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने प्रॉफिट दिखा 1,00,000 रुपए, अब 1,00,000 रुपए का 11% निकालोगे तो क्या आता 11,000 रुपए? हाँ। तो क्या एमडी को 11,000 रुपए की सैलरी दोगे? है ना। हाँ। तो वो कहता है कि कंपनी जिसके पास प्रॉफिट्स ना हो या सफिशिएंट प्रॉफिट्स ना हो उनको एमडी को रेम्यूनरेशन कैसे देना चाहिए, तो वो कहता है कि पहले उस कंपनी को इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना चाहिए। तो मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 60,00,000 होना चाहिए। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 5,00,000 से ज्यादा और 100,00,000 से कम आता है तो 84,00,000। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 100,00,000 से ज्यादा बट 250,00,000 से कम, 120,00,000। और अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 250,00,000 से ज्यादा आता है तो 120,00,000 0.1% ऑफ एनीथिंग अबाउट 250,00,000। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका इफेक्टिव कैपिटल 300,00,000 आता है, हां, तो 120,00,000 दे दो, हां, प्लस 50,00,000 पे 0.1%। जगह सर? यस सर। ये अपन मैक्सिमम है आशीष, ये सारे मैक्सिमम है 101%। बढ़िया बेटा। यस सर। ठीक है सर, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्वेश्चन नहीं लेते, वो समझ नहीं आता। शिवम पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्यों लेंगे बेटा, वो तो प्रॉफिट के बाद है। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या बेटा शिवम? एक्सपेंस, सैलरी हुआ बेटा, सैलरी अप्रोप्रिएशन के बाद थोड़ी पे की जाती है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर को सैलरी नहीं मिलेगी बेटा, वो फ्री में काम करेगा। पहले हम नेट प्रॉफिट डिफर करते हैं, फिर हम टैक्स भी निकाल दे, फिर हम अप्रोप्रिएशन भी कर दे। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, कितने अप्रोप्रिएशन होते हैं? सिंधी का कामी अप्रोप्रिएशन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड, ना ना ना, यस वी बोलिए, दो अप्रोप्रिएशन होते हैं। अप्रोप्रिएशन नंबर 1 सिंधी का ट्रांसफर टू रिजर्व्स, हां, ट्रांसफर टू रिजर्व्स और डिविडेंड। डिविडेंड तो कंपनी डिविडेंड दे देगा, कंपनी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करेगा, फिर बोलेगा चलो एमडी अभी तुम्हारी बारी है, एमडी बोलेगा पागल हो गया क्या मैं। अप्रोप्रिएशन लास्ट चीज होती है वर्ल्ड में। ये ऐसे हुए सिद्धिका कि आपके पिताजी ने आपको 500 रुपए दिए और बोला कि बेटा काम अच्छा काम करना। अब बेटा तुमने पहले बुक्स खरीद ली, पहले सारी पढ़ाई की बातें कर ली और सारे पैसे खर्च हो गए, फिर बोलेंगे अभी खाना खाना तो बाकी है, तो पहले खाना खाओगे ना बेटा। अप्रोप्रिएशन लास्ट में होते हैं, सबसे लास्ट में अप्रोप्रिएशन होते हैं, पहले सारे खर्च हो जाते हैं। अभी अप्रोप्रिएशन करने के बाद खर्चा याद आएगा तो कहां से पैसे बचेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, तो कौन से प्रॉफिट, सेक्शन 198 क्या कहता है कि कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए? टैक्सेबल प्रॉफिट होना चाहिए। टैक्सेबल प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑल एक्सपेंसेस व्हिच आर अलाउड इन टैक्स। ठीक है। यस सर। टू, अब वापस आ जाते हैं एक बार शेड्यूल 5 पे। आई होप शिवम एकदम क्लियर हो बेटा। चलिए शिवम ने हां बोल दिया, आ जाते हैं देखा। यस सर। शेड्यूल 5 पे आ रहे, शेड्यूल 5 के पार्ट क्या था? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 एमडी के अपॉइंटमेंट से डील करता है, पार्ट 2 के रेम्यूनरेशन से डील करता है, पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 के प्रोविजंस है, और पार्ट नंबर 4 सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर से पावर्स। पर अपने को सिर्फ पार्ट 2 के अंदर जाना है, तो पार्ट 2 का सेक्शन 1 एंड पार्ट 2 का सेक्शन 2। सेक्शन 1 कहता है प्रॉफिट्स है, सेक्शन 197 फॉलो करो। पार्ट 2 कहता है प्रॉफिट्स नहीं है, इफेक्टिव कैलकुलेट कैपिटल कैलकुलेट में नेगेटिव आएगा, 5 करोड़ के नीचे है तो काटा, 5 करोड़ के ऊपर बट 100 करोड़ के नीचे 84,00,000, 100 करोड़ के ऊपर बट 250 करोड़ के नीचे 120,00,000, 250 करोड़ के ऊपर तो 120,00,000 प्लस 0.1% ऑफ एनीथिंग अबाउट 250। सिक्योरिटी 65,00,000,
अनसिक्योर्ड लोन में कौन डिपॉजिट 3,70,000 कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम एसबीआई 465 करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स 345 असेट्स में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिबेंचर्स एक्सेट्रा 75 लाख एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 15,25,000 ठीक है मैडम यस सर क्या कैलकुलेट करना है इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करना है मैनेजरियल रेम्युनरेशन तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया है तो हम लोग दोनों काम करेंगे और कौन से दोनों काम करेंगे कि अगर ये जो कंपनी है वो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है और अगर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है सर व्हाट मीन बाय नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव इन्वेस्ट करना नहीं है इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट करना है सर एग्जांपल तो कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट करना बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टमेंट करना होता है नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या मैं नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी ना 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 एनबीएफसी एनबीएफसी की बात ही नहीं कर रहे शिवम सर यहाँ पे मैं एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ रिलायंस एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है टाटा एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है बेटा इनका काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं इनका काम बिजनेस करना है 99% ऑफ द कंपनीज इन द वर्ल्ड आर नॉन इन्वेस्टमेंट तो इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस व्हाट ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग नॉन कैश एक्सक्लूडिंग नॉन कैश पूरा नहीं लिखा एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व एक्सक्लूडिंग व्हाट रिवैल्यूएशन रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व प्लस बोरोइंग्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एक मिनट रुको लेस लॉसेस प्लस बोरोइंग्स प्लस बोरोइंग्स समझ गए मैम हाँ सर ये क्या हो जाएगा अपना इफेक्टिव कैपिटल ये अपना इफेक्टिव कैपिटल हो जाएगा अब एग्जैक्टली क्लियर बताए कौन यस सर नोट फॉर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी फॉर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अबव अगर ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी को उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए वो भी माइनस कर दो भाई फिर बिकॉज आप नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी हो आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट करना नहीं था तो ये भी भाई लेस कर दो आप ठीक है मैडम बेसिकली कैपिटल का मतलब क्या सिद्धि का राधे कोई फॉर्मुला ऑल्सो एकदम सिंपल से अंडरस्टैंडिंग लो इन्वेस्ट कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल का मतलब हमने बिजनेस में कितने पैसे लगा रखे हमने बिजनेस में कितने पैसे बिजनेस में कितने पैसे लगा रखे बढ़िया मैम यस सर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात पहले करता हूँ कौन से कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं जिनका पर्पस इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता और इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात करेंगे तो इनका पर्पस क्या है इन्वेस्ट करना तो बिजनेस में कितने पैसे लगा रखे तो बिजनेस में कितने पैसे लगा रखे तो क्या करना भाई बिजनेस में पैसे लगा रखे तो पहले कैपिटल लेना है और कंपनी के कैपिटल में हमें दिए गए हैं 14% प्रेफरेंस शेयर्स 15,00,000 उसके बाद ईपीटी शेयर्स तो ईपीटी शेयर्स है 96,00,000 ये सारे पैसे बिजनेस में लगे हुए हैं ऐड क्या करता है रिजर्व्स कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व उसमें से रिवैल्यूएशन रिजर्व लेस करना है ना सर उसमें से रिवैल्यूएशन रिजर्व लेस क्यों करना है बिकॉज़ बेटा रिवैल्यूएशन रिजर्व अभी आपको याद हो एसके अगर आपको बराबर से याद हो आप वहां के लेवल तक पहुंच चुके हो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है रियलाइज नहीं हुआ वो तो एसेट को खाली रिवैल्यू करके नोशनली हम लोग ने रिकॉर्ड किया है वो तो अनवांटेडली आपने एसेट में इनिशियल मॉडल होता है कॉस्ट सब्सिक्वेंट मॉडल होता है कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो है ना मैडम तो फिर यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में आएगा सिर्फ एंड सिर्फ 45,000 उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 ये हो गई कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस क्या करना है मैम लॉसेस तो लॉसेस में मुझे दिख रहा है पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस और पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मुझे 15,25,000 बढ़िया मैडम यस सर मैम अब इतना हमारा कैपिटल हुआ ओके ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कैपिटल बोला जाता है बट यहाँ पे हमें जो इफेक्टिव कैपिटल निकालना है इसलिए थोड़ा अलग सा वर्ड निकाला कि इफेक्टिव कैपिटल अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कैपिटल नहीं चाहिए सिद्धिका कैपिटल चाहिए जो बिजनेस में लगाया हो पैसे जो बिजनेस में लगाया हो बिजनेस करने के लिए एफएम सोचना पड़ेगा थोड़ा हमारे खुद के जेब से जो पैसे लगाए वो तो लगाई है बोरो करके भी जो पैसे लगाए वो भी लगाए तो कैपिटल प्लस बोरोइंग इफेक्टिव कैपिटल बनता है तो यहाँ पे हमें लेने हैं Borrowing because ये भी पैसा बिजनेस में लगा है तो 15% और पब्लिक डिपॉजिट लगाया है 3,70,000 और कोई बोरिंग है बेटा
कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम एसबीआई शॉर्ट टर्म है बेटा, शॉर्ट टर्म नहीं लेना, शॉर्ट टर्म पैसा तो कभी भी निकल जाएगा वापस, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स नहीं लेना बिकॉज़ ये तो शॉर्ट टर्म है, पैसा लॉन्ग टर्म बिजनेस में नहीं लगा है। ये कैलकुलेटर चलाते हैं, 15 लाख प्लस 96 लाख प्लस 45,000 प्लस 50,000 माइनस 15 लाख 85,000 माइनस 65 लाख माइनस 65 लाख प्लस 55 लाख प्लस 3 लाख 70,000 मेरा आंसर आ रहा है 1,65,40,000 ये कितना मिला 1,65,40,000 आपको कैपिटल मतलब इफेक्टिव कैपिटल मिला कौन से कमी का इफेक्टिव कैपिटल मिला आपको नॉन इन्वेस्टमेंट कमी इन्वेस्टमेंट कमी अगर ये कमी इन्वेस्टमेंट कमी है तो इसका इफेक्टिव कैपिटल लेना है बढ़िया मैम यस मैम अगर नॉन इन्वेस्टमेंट कमी हो तो क्या क्या सोचना है सोचने का तरीका देखो आप फॉर्मूला तो लोग ना बायआउट कर लेते हैं मेरे को बहुत इरिटेट करता है जब लोग फॉर्मूला बायआउट कर लेते हैं तो भाई पहले जो तुमने लिया है मैंने वो तो सब छाप ही लो आप ठीक है ना ओके पूरे का पूरा छाप लो आप गॉट दिस मैम यस सर तो मैम पूरा छाप लिया और आ गया 1,65,40,000 ये कैसा बिजनेस में लगा है इन्वेस्टमेंट कंपनी की नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर वो बिजनेस में नहीं लगा है हाँ। मतलब तू एकदम सिंपल से सोचना कि तूने इतना पैसा लगाया कितना पैसा लगाया 500 रुपए लगाया अरे मैं बोल रहा हूँ बिजनेस में कितना पैसा लगाया बिकॉज़ इसमें से तूने 50 रुपए तो रिलायंस के शेयर खरीदे टोटल 500 रुपए लगाए हाँ। और उसमें से 50 रुपए रिलायंस के शेयर खरीदने में चले गए अरे बिजनेस में थोड़ी लगा वो 50 रुपया तो फिर बिजनेस में 500 माइनस 50 लगा तो यहाँ पे आपको लेस क्या करना पड़ेगा जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट दिया बिकॉज आप नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो इन्वेस्टमेंट करना आपका बिजनेस नहीं था बिजनेस नहीं है हाँ। तो माइनस कर दो उस पैसे को तो वो पैसे वहां पे लगे ही नहीं है 75 लाख आप माइनस करोगे तो फिर आपका इफेक्टिव कैपिटल यहाँ आ जाएगा 90,40,000 इफेक्टिव कैपिटल कैपिटल पर यहाँ का इफेक्टिव कैपिटल माना जाएगा 1,65,40,000 और नॉन इन्वेस्टमेंट तो 90,40,000 तो मैं देखो yes, मैं तो बताऊं सिद्धिका इफेक्टिव कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस माइनस लॉसेस माइनस बोरोइंग्स सर इन्वेस्टमेंट कमी है तो इन्वेस्टमेंट को माइनस नहीं करना बट अगर नॉन इन्वेस्टमेंट कमी है तो इन्वेस्टमेंट को माइनस करना अब yes. दोनों कमी देखेगी तो इसका नेटवर्थ इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम है बराबर ना बेटा हाँ सर अगर 5 करोड़ से कम है तो फिर अपना एमडी का 60 लाख एमडीज रेम्यूनरेशन कैन नॉट एक्सीड 60 लाख बेटा यस सर कोई डाउट नो सर एकदम क्लियर यस सर एकदम झकास चलिए मैम कॉपी दीजिए और यहाँ से पहले कॉपी करना पहले ये कॉपी करना और फिर आगे जाना ठीक है सर शेयर सस्पेंस पता ही नहीं है क्या अभी आपने को अकाउंट नहीं बताया सस्पेंस का कौन सा पैसा है शिवम वो हम लेंगे कहां से शेयर सस्पेंस इसीलिए नहीं है बिकॉज वो सस्पेंस है सर आपकी पटना की टूर कैसे थी बहुत बढ़िया आज मैं उसके लिए बनाऊंगा छोटी सी ओके सर ऐसे मेरे को लगता है कि मेरे को एक महीने में एक बार तो जाना चाहिए यार एक दो सर हमारे इधर भी आ जाओ इतने बच्चे मिल जाए तो बिलीव नहीं करेगी यार थोड़ी पॉपी सर और टी सर थोड़ी जलन हो गई सर आप हमारे इधर आ जाओ तो आपको बहुत कुछ घुमाऊंगा अरे वाह पर कहाँ आना पड़ेगा मेरे को उसके लिए कोल्हापुर सर कोल्हापुर में आया नहीं हूँ अभी तक खाली पर गाड़ी से पास हुआ था इसलिए बोल रहा हूँ बहुत कुछ है ना हाँ ठंडी चालू गई हाँ सर मैं नहीं आ पाया क्यों नहीं आया शशांक तू डन सर शिवम नेपाल जाना है बहुत सारी चीजें करनी है अभी एक दो साल और पढ़ाने हैं फिर मेरे को निकलना है इंडिया की टूर पर आयुष अकेला भाग गया सर मुझे लेके नहीं गया अरे यार आयुष ने मेरे को बढ़िया सी फैमिली बना रखी है अभी मेरे पास सिद्धिका कितना अच्छा प्रिय तेरे घर से 200 मीटर पे नेपाल अरे दैट्स सो वंडरफुल ऐसे कूद के चला जाता होगा शिवम जॉब करने चलो टर्न पेज करो पेज टर्न यस चलिए मैम शिवम ऐसे होगा आधी चाय इंडिया में आधी चाय नेपाल में 200 मीटर शाम का नाश्ता भी छोड़ दे तू
और ऐसे निशा ने मेरे को थोड़ा हर्ट कर दिया। निशा बोलती है बेस्ट का अकाउंट ऑन एकेडमी सर्च करो तो राहुल सर का नाम आता है, सिर्फ एकेडमी पे ऐसा। मतलब पेपर एकेडमी के बाद ही राहुल सर से कोई अच्छा अकाउंट टीचर मिल जाएगा और सिर्फ टीचर बना देते मेरे को। क्या निशा शशांक, बहुत लोग कहते हैं बेटा अगर बॉर्डर शेयर हो रही है ना इंडिया और नेपाल के बीच में तो बहुत लोग कहते हैं। इनफैक्ट अपनी महाराष्ट्र और शशांक गोवा की बॉर्डर है, गोवा में पेट्रोल है ना शशांक मेरे ख्याल से 8 या 10 रुपए सस्ता है। लिटरली गोवा के बॉर्डर क्रॉस करते ही 3-4 पेट्रोल पंप है वो ऑलवेज फुल रहते हैं बिकॉज महाराष्ट्र के लोग ऐसे गोवा डाउन मारते हैं बॉर्डर क्रॉस करके वहां से पेट्रोल भरा के आ जाते हैं। 10 रुपए सस्ता है। अब कौन सा क्वेश्चन होगा, अब कौन सा क्वेश्चन होगा, ये कौन सा क्वेश्चन था? इंडिया इतना ब्यूटीफुल है ना। हाँ सर जल्दी करूंगा ये। सो वी विल ऐसे एक साल पढ़ाई से ब्रेक और पूरा इंडिया घूमना है। वैसे घूम तो बहुत किया मैंने सर, देखा नॉर्थ में तो तुम मुझे बता okay. जगह बताऊंगा ठीक है ओके सर। टोपी सर भी तो हर बार घूमते ही रहते हैं। हाँ एब्सोल्युटली। चलो यस उत्तराखंड बहुत गया प्रेरणा, बहुत उत्तराखंड हिमाचल गया मैं फेवरेट डेस्टिनेशन प्रेरणा, साथ में एक बार तो मैं ट्रैक पे जाता हूँ तुम लोगों को पता है। सर 19 को भी छुट्टी क्लास नहीं दिख रही है। 18 19 20 तीन दिन नहीं दिख रही होगी। हाँ 18 मेरा बर्थडे है। हाँ 19 को मेरे को 20th की मैराथन की प्रैक्टिस करनी है और 20th को मैडम का बर्थडे और मैराथन भी है। ओके तो फिर आपसे थोड़ा बताओ। नहीं मैम 20 के नहीं खाएगी, मैम 5 के खाएगी। मेरे बर्थडे के दिन तुम जूम रखवाएगा, मेरे बर्थडे के दिन मैंने मम्मी पापा को बुलाया, मम्मी मैं कल आ रहे सर। फिर हमें कौन, हमें कब पार्टी करेंगे? तुमको आना पड़ेगा बॉम्बे पार्टी करने के लिए। ऐसे राहुल सर ऐसे पार्टी नहीं देते, सबको गूगल पे कर दूंगा 5-5 रुपए। 5 रुपए में क्या आएगा? कमरे को तुमने तो अगर समझ के रखा जो पैरिस में। सर जीजू कब स्टार्ट करोगे? फ्रेंड्स पूछ रहे हैं 1st of December। जीजू विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of December गाइस। सर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी फैकल्टीज के नाम बोलो मेरे को। पक्का बेटा विल कीप अ ज़ूम सेशन फॉर श्योर, ये वीक में करेंगे ठीक है ना। ओके सर चलो आर वी डन विद दिस गाइस? यस सर। टू गुड। मतलब जीवन जीजू की क्लासेस 10 दिन एक साथ चलेगी। नीरज देखते रहता जीवन कहां तक कंप्लीट कर देगा, ऑलमोस्ट डन विद जीवन। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा। Question number two. Kumar has only one hold on director Mr. X, who is required to calculate the maximum remuneration that should be paid to him if no special resolution is passed at the annual general meeting with respect to the payment of remuneration for a period not exceeding 3 years. Full stop. So, madam, हम आराम से काम करते हैं. Question number 3. Non-investment company है. Yes. So, we will start solving this question together. Yes. Ma'am, question number 3. So, कहाँ से start करें, ma'am? Non-investment capital. Capital से start करते हैं. Preference capital कितना है? 20 lakhs. 20 lakh. Equity capital कितना? 120 lakhs. 120 lakh. अब वो share application money pending allotment वो नहीं ले सकते because allotment हुआ ही नहीं है। हाँ sir. Plus reserves लेना? Reserves. उसमें से भी revaluation reserve 10 lakhs minus करें। तो 140 lakhs. Reserve. Bracket में आपके reference के लिए 150 minus 10 is 140. Next one? Yes. Securities premium. Security premium, बोलिए। 40 lakhs. Next one? Long term loan. Reserve. 40 lakhs. Reserves हो गए? हाँ, reserves हो गए। पहले less losses कर लो, normal formula से एकदम आराम से capital plus reserves less losses. Do we have losses बेटा? Losses तो नहीं है sir. मेरे को accumulated losses word दिखा था। हाँ sir, accumulated losses, not written off. 20 lakhs. 20 lakhs. ये क्या हो जाएगा पता है? तेरा थोड़ा finance भी clear होता रहेगा। इसको कहते हैं capital. हाँ.
ठीक है, ओन ओन फंड्स कहते हैं, ओनर्स फंड कहते हैं, शेयरहोल्डर्स फंड्स कहते हैं, ओके, और उसके बाद बोरो फंड्स ऐड करने, तो अब बोरो फंड्स ऐड करेंगे, ओनर्स फंड प्लस बोरो फंड, तो इफेक्टिव लॉन्ग टर्म लोन, हां लॉन्ग टर्म लोन 40 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 40 लाख, और कोई लॉन्ग टर्म पब्लिक डिपॉजिट जैसे सर वो रिपेएबल आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर से देखा, अच्छा मतलब लॉन्ग टर्म है, करेक्ट, लॉन्ग टर्म हो गया, तो 20 लाख, अगर वो रिपेएबल विद इन 1 ईयर होता ना बेटा, हां तो हम नहीं लेते, हां सर, बट इट इज रिपेएबल आफ्टर 1 ईयर, तो पड़ेगा मेरे को टोटल आ रहा है 3 करोड़ 60 लाख, यस सर। अच्छा अब ये बता, इन्वेस्टमेंट कंपनी की नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी को इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स लेस करेंगे, हां 180 लाख का इन्वेस्टमेंट लेस करना पड़ेगा, तो 360 माइनस 180 आंसर कितना आ गया, 180 लाख, वेरी गुड, एंड दिस इज रिफर्ड टू एज इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल जबस, यस सर। और मैम एमडी का रेम्युनरेशन कितना होना चाहिए, एमडी का रेम्युनरेशन 11%, नहीं मैम ओवरऑल, नहीं मैम कंपनी का प्रॉफिट इफेक्टिव कैपिटल पे कैलकुलेट कर रहे हो बेटा, भूल गए मैम, अरे हां देन कैन, हां इफेक्टिव कैपिटल तो उसका 180 है ना, तो 5 करोड़ से लेस है मतलब 60 लाख होगा, चला से मैम, यस सर। सर एक मिनट प्लीज लास्ट स्लाइड बता, यस मैम, हम लोग यहां पे कुछ करेंगे श्योर, बैलेंस शीट में दिखेगा बेटा, यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, सर कहानी खत्म, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 खत्म, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 को जाने से पहले अभी मैम लिखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सबसे पहले आपको याद रखना मैम डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज, डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज, इट्स एन अप्रोप्रिएशन, इट्स एन अप्रोप्रिएशन, डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज, इट्स एन अप्रोप्रिएशन, डिविडेंड चार्ज नहीं है, डिविडेंड अप्रोप्रिएशन है, बढ़िया, यस सर। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड द अप्रोप्रिएशन, जो टैक्स पे करने के पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे कहते हैं चार्ज, जो टैक्स पे करने के बाद रिकॉर्ड किए जाते हैं कैसे कहते हैं अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन, रेंट इज चार्ज होगा, कितना rent is charged, salary is charged, administration is charged, advertisement is charged, depreciation is charged, salary is charged, yes, is charged, discount allowed is charged, bad debts are charged, reserve for doubtful debts are charged, yes sir, तो इसमें से दो चीज आती है, हां dividend and dividends, yes sir, perfect है, yes sir, जो चलो one of the important खाली पढ़ रहा हूं, लिखना नहीं है, one of the important functions of company accounting is to determine the amount of profit which is paid to the shareholder, it is necessary since the amount disclosed in every case is not available for distribution, the availability, क्या बना रहे हो, तुम क्या खाओगे, क्यों ना मैं रोटी खाऊं, राइस खाओ, कंफ्यूज हो गए, रोटी खाओ, ओके, the availability of profit for distribution depends upon number of factors, that is composition and so and so, dividends cannot be declared except out of profit, profit, अब ये याद रखना है मैम, कि dividend appropriation है, dividend cannot be paid, no, dividend can be paid only out of profit, मतलब कंपनी जिसके पास प्रॉफिट्स नहीं है वो डिविडेंड पे नहीं कर सकता, okay, है ना, सुशांत का जीटू का अकाउंट कब स्टार्ट होगा, 1 महीने के लिए सुशांत, 1st of December, G2 will start from 1st of December, सुशांत, so dividend is not a charge, it's an appropriation, मतलब प्रॉफिट से ही हम डिविडेंड पे करते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिप पे कर रहे हो तो कैपिटल कम हो रहा है, तो कैपिटल अगर कम हो रहा है तो ड्रॉइंग हो जाएगा, वो फिर डिविडेंड नहीं होगा, तो डिविडेंड को सिर्फ प्रॉफिट से ही पे कर सकते हैं, अब एग्जैक्टली क्लियर है अपन, यस सर, इफ करंट ईयर प्रॉफिट, इफ करंट ईयर प्रॉफिट इट इज नॉट अवेलेबल, देन कंपनी कैन यूटिलाइज रिजर्व्स, free reserves
सब्जेक्ट टू, सिद्धिका अगर हमें करंट ईयर में प्रॉफिट ना हो, हाँ निशा लिख रहा है, अगर हमें करंट ईयर में प्रॉफिट ना हो तो हम अपनी कंपनी के जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट बनाते जो रिजर्व बनाए क्या वो यूज कर सकते हैं? आंसर इज हाँ, हम लोग वो यूज कर सकते हैं. सब्जेक्ट टू व्हाट? सब्जेक्ट टू थ्री कंडीशन. ओके, सो सब्जेक्ट टू कंडीशन नंबर वन, सब्जेक्ट टू कंडीशन नंबर वन, परसेंटेज डिविडेंड does not exceed average of past. That is condition number one. Condition number two, amount does not exceed 10% of paid up capital plus free reserves. 10% of paid up capital plus what? Free reserves. And condition number three, the balance in reserve after dividend should not fall below 15% of paid up capital. Yes. बढ़िया है. Yes sir. The balance in reserves after dividend should not fall below 15% of what? Paid up capital. अभी एकदम आराम से पहले लिख लिया और फिर मुझे बोलना कि लिख लिया हो गया तो समझा. हो गया सर. Very good. तो एकदम आराम से सुन. Okay. Dividend charge है कि dividend appropriation है? Appropriation है. मतलब profit. हाँ. Out of profit. करने के बाद ही लिया जाता है. अगर करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है या कम हुआ है तो क्या हम पहले के रिजर्व्स यूज कर सकते हैं? आंसर इज हाँ, बट तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. सबसे पहले इस साल जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो पास्ट के एवरेज को एक्सीड नहीं करना चाहिए. पास्ट का एवरेज है 10% पर हम डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं 15%, मतलब कल तक तुम 10 साल के अचानक से 15 आना है, वो भी जब इस साल का हमारा कमाई कम है. कंडीशन नंबर टू कि हमारा जो अमाउंट है डिविडेंड का, इट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. पेड अप कैपिटल मतलब कोई जैसे कैपिटल प्लस रिजर्व्स लॉसेस. तो ये हो जाएगा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. रिजर्व्स में फ्री रिजर्व्स लेने, नॉन फ्री रिजर्व्स नहीं लेने. तो उसका 10% लेना, वो 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए. उसके बाद थर्ड है कि बैलेंस इन रिजर्व डज नॉट होगा ना, डज नॉट लिखा है. कंडीशन नंबर वन में लिखा परसेंटेज डिविडेंड डज लिखा है. ओके, डज नॉट लिखो तो जरा नॉट लिखना भूल गया, बोलता हूं डज नॉट लिख दिया सर हमने. ओके, the balance in reserves after dividend should not fall below 15% of what? Paid up capital. Dividend pay करने के बाद हमारा paid up capital reserves का balance paid up capital के 15% से नीचे नहीं होना. नीचे नहीं. तो बेटा देखो इस साल को profit नहीं हुआ, आगे का future का सोचना पड़ेगा ना. हाँ. यहाँ पे मुझे बहुत law के अंदर जाना नहीं है, अगर मैं ये सारी चीज़ आप law में वापस पढ़ोगे actually. Okay. मैं यहाँ पे पॉपुलर की तरह law समझाने लगूँ ना, सबका ये farmer की कहानी है. अब farmer का category है. इस साल अपने farm में इतनी पैदाइश ही नहीं है. तो क्या हम लोग last year उसके पहले साल में से जो अनाज बचा हुआ है क्या वो खा सकते हैं? आंसर इज खा सकते हैं, बट जो कल खा रहे उससे ज्यादा आज मत खा लेना, एक तो साले पैदाइश नहीं हुआ, तुम ज्यादा खाने की बात कर रहे हो. सेकंड, हमारा जो पूरा रिजर्व है उससे वो 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज फ्यूचर के बारे में भी सोचना. और थर्ड की भाई बैलेंस, ये खाने के बाद बैलेंस अभी भी बचना चाहिए बिकॉज देखो ये पैदाइश कितना कम हुई, नेक्स्ट ईयर भी कम हुई तो हाँ. तो भाई ये सब सोच समझ के इन्होंने ये प्रोविजन बनाया कि भाई देखो ये करो फिर आप, ठीक है ना मैडम? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया मैडम आपका? क्वेश्चन नंबर थ्री. तो क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फोर कहता है आराम से, ड्यू टू इनएक्युरेट प्रॉफिट ड्यूरिंग करंट ईयर 2021-2012 एक्सवाइजर प्रपोजेस टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व. मतलब इस साल का प्रॉफिट इतना हुआ नहीं तो कंपनी को जनरल रिजर्व यूज करके डिविडेंड पे करना है. फ्रॉम द प्रॉफिट पर्टिकुलर अ सर्टेन द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व अकॉर्डिंग टू द कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स इन 2014. प्रेफरेंस कैपिटल 1750, इक्विटी कैपिटल लैक्स, जनरल रिजर्व 25 लाख, कैपिटल रिजर्व 3 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व 3 लाख, 15 नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 3 लाख. I mean, rate of dividend during the past 3 years have been how much, ma'am? 12%. तो अभी कंपनी को कितना परसेंट डिविडेंड अनाउंस करना है? 12% से कम मतलब नहीं, कितना है? आराम से पढ़ लो, क्वेश्चन आपके पास है. डिविडेंड 10%. चलो मैम, कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है 10%. मैम इक्विटी कैपिटल कितना है? इक्विटी कैपिटल 80 लाख. मैम डिविडेंड इक्विटी कैपिटल के फेस वैल्यू पे जाएगा, तो 8 लाख रुपए का डिविडेंड देना है. हाँ. तो दे सकता है कि नहीं तो चेक करते हैं. चेक वन, 8 लाख रुपए का डिविडेंड देना है. करंट ईयर का प्रॉफिट कितना? करंट ईयर का प्रॉफिट
उन्होंने प्रॉफिट ऐसे 10% डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व पे नहीं नहीं मैम पेंशन करो सब मिलेगा पेंशन नहीं पड़ता 3 लाख करंट ईयर का प्रॉफिट 3 लाख है पर डिविडेंड कितना है बट डिविडेंड है 10% मतलब 8 लाख है 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल मैम अगर करंट ईयर का प्रॉफिट ही 8 लाख के ऊपर होता तो अपने को और कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती नहीं थी फिर 10 रोटी बनी और 3 रोटी खानी है तो थोड़ी पूछने की जरूरत है यार खाना दिन दस का अब प्रॉब्लम ये हुआ कि रोटी बनी है 2 और तेरे को खानी है 3 तो तू खा सकती है कि नहीं खा सकती है नहीं अब चेक करना पड़ेगा 3 कंडीशन है खा सकती है ओके अब तू टेंशन में आ गई से कहां से खाऊंगी बनी है खाऊंगी अरे बेटा कल बनी थी बची थी थोड़ी हां चेक करना पड़ेगा उसको हां तो चेक कंडीशन नंबर 1 चेक 1 क्या करना है कंडीशन नंबर 1 में चेक कि एवरेज कितना था 12% था लास्ट ईयर का और डिक्लेयर्ड कितना था डिक्लेयर्ड था 10% तो कर सकते हैं यस परसेंटेज ड्यू डिड नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ पास्ट बराबर है यस कंडीशन नंबर 2 मैम पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स करते हैं चलो मैम इक्विटी कैपिटल कितना 80 लाख रेफरेंस कैपिटल कितना 17,50,000 80 लाख प्लस 17,50,000 प्लस फ्री रिजर्व्स में क्या है मैम आपके पास जनरल रिजर्व 25 लाख प्लस कैपिटल रिजर्व 3 लाख वही तो पूछ रहा हूं भागती रहती है बट कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है कि नॉन फ्री रिजर्व होता है कैपिटल रिजर्व नॉन फ्री रिजर्व वेरी गुड रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व होता है कि नॉन फ्री रिजर्व होता है नॉन फ्री रिजर्व तो बैंक कहां से चलेगा हां नहीं चलेगा जनरल रिजर्व हां आ गया चलिए मैम 80 लाख प्लस 17,50,000 प्लस 25 लाख आंसर आ गया 1 करोड़ 20,50,000 का कितना परसेंट 10% बोलो 12,25,000 रुपीस आप दे सकते हो आपको कितना देना है क्या सर 1 करोड़ हां 12,50,000 का 10% कितना हुआ 12,25,000 आप 12,25,000 दे सकते हो हां आपको देना कितना है 8 लाख देना दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो हां दे सकते हो ना सर दे सकते हो ना हां बस वही मुझे चाहिए हां या ना हां हां तेरा हां एकदम छोटे वाला आ रहा हां सर क्या बोल हां हां एकदम कंक्लूसिव हां ठीक है चलो मैम बैलेंस आफ्टर डिविडेंड डिविडेंड देने के बाद क्या बैलेंस आएगा तेरा हां हां सर डिविडेंड देने के बाद क्या बैलेंस आएगा तेरा तो डिविडेंड देने के बाद तेरा बैलेंस क्या आएगा एकदम आराम से समझ के देख मैं तेरे को बताता हूं कैलकुलेशन कैसे करना तेरा कैलकुलेटर नहीं चलना चाहिए था मैम तेरे पास कितने का रिजर्व्स है आज कितने का रिजर्व्स है 25 लाख मतलब कौन सिर्फ फ्री रिजर्व ही बोले फ्री रिजर्व हां तो 25 लाख 25 लाख का फ्री रिजर्व है तेरे पास हां सर फ्री रिजर्व की बात हो सकती है यूपी बेटा सिद्धिका भी पूछ रही है फ्री या नॉन फ्री बेटा आंसर क्वेश्चन ही गलत है बेटा हम डिविडेंड देने की बात करें तो डिविडेंड तो सिर्फ फ्री रिजर्व से जा सकता है नॉन फ्री रिजर्व तो जा ही नहीं सकता अभी 25 लाख में से कितने का डिविडेंड दोगे तुम 10% का मतलब 8 लाख का 10% में बोल गलत हो जाएगा फिर से हां सर तू 10% बोलेगी तो कोई 25 लाख का 10% निकाल देगा नहीं 8 लाख 8 लाख 8 लाख का डिविडेंड तुझे देना है हां बैलेंस आफ्टर डिविडेंड डिविडेंड देने के बाद का बैलेंस ओके 15 लाख नहीं अब 15 लाख का सर 17,50,000 हां प्रेफरेंस का कैपिटल कितना 17,50,000 17,50,000 का कितना परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स है 9% 17,50,000 का 9% निकालो मैम 1,57,500 दिस इज प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस 8 लाख माइनस 8 लाख समझ रहे हो यस सर तो मैम तेरे पास 3 लाख रुपए थे माइनस 157,500 चले गए माइनस 8 लाख रुपीस चले गए माइनस 8 लाख क्या है 8 लाख है इक्विटी डिविडेंड तो मैम तेरे को 657,500 ही चाहिए हां तो ये 25 लाख में से 8 लाख माइनस मत करना कि 25 में से 8 पे कर दूंगा करेंगे मैं तो खाएगी ना ऐसे कुछ को 3 रोटी खानी है तो सर कल की 3 रोटी खा तो आज दो बनी है वो तो देख हां मतलब इस साल तेरे को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ उसमें से तूने 157,500 प्रेफरेंस को दे दिया उसके बाद तेरे को 8 लाख इक्विटी को देना है तो तेरे को अभी भी 657,500 निकालना पड़ेगा से इक्विटी कैपिटल तो ये रिजर्व से 657,500 तो तेरा 25 लाख में से 657,500 निकल जाएगा तो तेरे रिजर्व का बैलेंस 18,42,500 शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ पेड अप कैपिटल कैपिटल मतलब मैम दैट इज 18,42,500 डिवाइडेड बाय कितना पेड अप कैपिटल ओके पेड अप कैपिटल
टोटल पेड अप कैपिटल 12,25,000 नहीं 18.9% आ रहा था, इन्होंने कहा था कितने परसेंट से गिरना नहीं चाहिए, 15% से गिरना नहीं चाहिए, therefore dividend of 8 lakh can be paid. बढ़िया मैम. Yes sir. मैम एक बार आराम से फिर से समझ से, ठीक है, तो yes तो बोल रही है पर बहुत सारी चीजें पूरी क्लियर करके, ठीक है बेटा. हाँ सर. एक बार आराम से. कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ है सर? 3 lakh का. कंपनी को डिविडेंड कितना पे करना है? 8 lakh का. तो चेक करना पड़ेगा तीन कंडीशन. ये तीन कंडीशन रूल रूल के चेक नहीं करना है. अगर कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ और 8 लाख का डिविडेंड देना, तो उसको क्यों आ रहा है हमारे पास पूछने के लिए? करना भाई, तेरे को प्रॉफिट हुआ तू पे करना, करना. तेरे घर पे 10 रोटी बनी है, तेरे को 3 खानी है, तू खा ले. अब अगर उसके घर पे 2 रोटी बनी है और उसे 3 खानी है, तो हमें चीजें चेक करनी पड़ेगी. तो पहले तो कंपनी के पास प्रॉफिट था 3 लाख रुपए का, कंपनी को 8 लाख का डिविडेंड पे करना था, तो कंपनी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो पेड अप कैपिटल निकाला 80 लाख प्लस 17,50,000 प्लस फ्री रिजर्व्स की ही बात हो सकती है, स्पेशल के अंदर नॉन फ्री रिजर्व्स की बात नहीं हो सकती है, रिवैल्यूएशन रिजर्व की बात नहीं हो सकती, सिक्योरिटी प्रीमियम की बात नहीं हो सकती, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की बात नहीं हो सकती, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की बात नहीं हो सकती, कैपिटल रिजर्व की बात नहीं हो सकती है. तो कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व लिया तो 1,22,50,000 आया, उसका 10% निकाला तो 12,25,000 आया, तो 12,25,000 का हम डिविडेंड दे सकते हैं. 12,25,000 दे सकते हैं, उससे ज्यादा का डिविडेंड हम नहीं दे सकते. आपने को 12,25,000 भी नहीं देना, आपने को 8 लाख देना. 8 लाख. चलो सेकंड कंडीशन भी क्लियर हो गया. डू यू अग्री विद दिस? यस सर. रुचि कह रही है 12,25,000 इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों मिला के होगा ना आपको, उसका पेड अप कैपिटल बोला है रुचि. पेड अप कैपिटल में इक्विटी भी आ जाता है, प्रेफरेंस भी आ जाता है और फ्री रिजर्व भी आ जाता है. तो बेटा आपने को यहां पे पेंसिल से लिखने का, ये है इक्विटी, ये है प्रेफरेंस प्लस ये है फ्री रिजर्व व्हिच इज जनरल रिजर्व, ठीक है बेटा. अच्छा कंडीशन नंबर थर्ड क्या दिया गया? कंडीशन नंबर थ्री दिया गया कि डिविडेंड पे करने के बाद रिजर्व का बैलेंस 15% का 15% नीचे नहीं हो जाना चाहिए. तो रिजर्व का बैलेंस तो निकाले पहले कि रिजर्व का बैलेंस इतना होगा डिविडेंड पे करने के बाद. कितना सर? 25 लाख रुपए था, उसमें से कितने का डिविडेंड पे करना है? 8 लाख? नहीं 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 नहीं, 6,50,000. 8 की नहीं करना, बिकॉज़ अपने पास इस साल का प्रॉफिट थोड़ा तो है ना भाई. इस साल का प्रॉफिट ही नहीं होता तो सीधा 25 में से 8 माइनस किया होता मैंने. बट इस साल अपने पास 3 लाख रुपए का प्रॉफिट था, उसमें से हम प्रेफरेंस पे करेंगे, उसके बाद 8 लाख रुपए का डिविडेंड पे करेंगे, तो 6,57,500 का शॉर्टेज आ रहा है. शॉर्टेज आ रहा है मतलब उतना अपने को 25 में से यूज करना पड़ेगा. तो 25 में से यूज कर लिया, तो 25 में से 657,500 यूज कर लिया, तो 1,842,500 बचा. अब 1,842,500 किसका 15% होना चाहिए? पेड अप कैपिटल. खाली कैपिटल यहाँ पे रिजर्व नहीं आना चाहिए, तो कैपिटल 97,50,000, दैट इज इक्विटी प्लस प्रेफरेंस. तो कितना परसेंटेज आया? 18.9%. अरे बढ़िया है, अगर 15% तक भी गिर जाए तब तक हम डिविडेंड दे सकते हैं, पर 15 से नीचे जाना चाहिए. 15 आएगा तो हाँ, 14.9 आएगा तो ना, 15.1 आएगा तो हाँ, 18.9 आएगा तो अरे बिंदास. तो भाई दे दो 8 लाख रुपए का डिविडेंड. कौन से तीन कंडीशन? फर्स्ट वन द परसेंटेज अनाउंस कैन नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द पास्ट. सेकंड वन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स. कंडीशन नंबर थ्री, बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर डिविडेंड कैन नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल. यस जी पास है. यस सर जी पास. चलिए मैडम क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कीजिए. यस और मैम जितनी छुट्टियां मिल रही है उसे प्लीज रिवाइज करना चालू कर दीजिए. मैं ये छुट्टी देने के पहले का भी आपका एक जूम कॉल ले लेता हूं मैं, ताकि आप चीजें नहीं करें. आपको लगता है चीजें मैं छुट्टी इसलिए दे रहा हूं बिकॉज मेरा पोर्शन हो गया. अब आपको छुट्टियां लेनी नहीं है, आपको रिवीजन करना है. हां सर. नीरज मैं पूरी शीट बना के देता हूं बेटा. राहुल बेटा बहुत अनवांटेड क्वेश्चंस पूछते हो आप. ऐसे 5 मिनट में कुछ नहीं बदलने वाला लाइफ में. और अगर पढ़ाई से ज्यादा कोई प्रायोरिटी देन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि तुम सीए क्यों कर रहे हो. दस जगह पे फोकस नहीं हो सकता राहुल बेटा पढ़ाई करते वक्त. सर वो एएस रिवीजन का लिख देते. हां बेटा पक्का. अभी आज रुक जाओ बिकॉज आज ऐसे ही नहीं करना. तो 18, 19, 20 को छुट्टी दूंगा ना. ओके उस दिनों में वो रिवीजन करना होगा, तो उसके पहले मैं तेरे को दे दूंगा, ठीक है ना? ओके ठीक है सर.
पांच मिनट जरा हो, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा. यस नेहा ऑफ कोर्स. जी सर, वरना मैं भी कभी ऐसे नहीं कहा. कल कहाँ भाग गया? अभी तक तूने मुझे रीजन नहीं बताया तू कल कहाँ भाग गया था. मैडम सर, निशा ने मेरे को रीजन बताया, उसका इंटरनेट ऑफ हो गया था. तेरा भी इंटरनेट ऑफ हो गया था, वो तू आंसर ही नहीं दे रहा था मुझे. अपने आप पे हार्ड होने के दिन है, अपने आप को पनिश करने के दिन है ये. वी हैव टू बी लाइक स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर. अच्छा पटेल वेट करना, रुचि आई एम वेटिंग, श्रद्धा आई एम वेटिंग. क्या बताऊं स्नेहा? हाँ बोला मैंने बेटा, पटेल इज डन. निशा सबसे पहले तो आपसे इन्फॉर्म करके निकलूंगी नहीं, सबसे पहले निकलना नहीं होता है क्लास से. क्या कहते सिद्धिका? मुझे आपसे इन्फॉर्म सर, आपसे मैं आपको बोलती जाऊंगी. हाँ वही ना समझ, वही बोल रहा हूँ, मतलब निकलेगी जरूर वो. जहां नहीं क्यों है अब ये अपने ऐसे लाइव क्लासेस का थोड़ा डिसएडवांटेज है, नहीं जा सकते. राहुल सर इंटरनेट वाले को बुलाने गया था, वो आंसर नहीं कर रहा है. फिर ना वो थोड़ी देर बाद आएगा एकदम स्मार्टली, अरे मेरे मैसेजेस राहुल सर को नहीं पढ़ाई दे रहे. बट राहुल सर जो पूछ रहे हैं उसका आंसर राहुल सर को मिलेगा ना बेटा, तो राहुल सर भी राहुल ही है ना. समझो ऑफलाइन होती तो बिल्कुल जाने नहीं मिलता. एब्सोल्युटली ये राहुल देखना बेटा, ये सारी कहानियां ना बेटा बहुत पुरानी हो गई. ये राहुल सर मानने वाले नहीं है बेटा, ठीक है? ये कहानियां राहुल सर मानने वाले नहीं है. आज तो निशा बोल रहा करो. वही निशा, निशा का इंटरनेट गायब हुआ, राहुल सर की चाबियां गायब हो गई. चलो राहुल भाई कुछ नया है ना समझ. एक्चुअली बेटा हम भी जब स्कूल में जाते थे हम ऐसे ही करते थे ना यार, ये तो प्रॉब्लम है यार. सर सब करके बैठे एक्चुअली समझ, मैं तो पारिगिरी किया था सिद्धिका. एक महीना स्कूल में नहीं गया था, एक महीना सिद्धिका, लोग एक दिन दो दिन नहीं जाते. कितना महीना नहीं गया मैं? एक महीना. एक महीना स्कूल नहीं गया. अभी स्कूल में ना हमारे स्कूल में कैलेंडर हुआ करते थे, शायद आपके टाइम भी होंगे ना कैलेंडर. अपने को रीजन लेके जाना पड़ता था कि हम क्यों एब्सेंट है, और अपने पेरेंट्स होनी चाहिए वहाँ पे कि हम एब्सेंट क्यों थे. ठीक है, रुचि मस्ती थी ना लाइफ में बेटा, मतलब बेटा पहले पढ़ाई. इसी दो रीजन थे रुचि, एक तो पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं था, और दूसरे पढ़ाने वाले भी ऐसे थे कि मजा नहीं आ रहा. तो एक महीना. अब रीजन क्या लिखे कि I could not attend the school because I was suffering from dysentery. मेरी किडनी मेरी जैसे थी, पता है सिद्धिका, मैं खुद को एक महीना बाथरूम में बैठा था क्या तू? और तब मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा ना सिद्धिका कि ये एक महीना छुट्टी लेने का यार. और उसके साथ साथ मेरा एक और फ्रेंड फंस गया, वो तो भाई एक लेवल ऊपर ही का था सिद्धिका, वो भी एक महीना एब्सेंट था मेरे साथ ही. तो ऊपर क्या क्या पता है, उसने कहा ना बेटा सॉस लगाया काकूस में, उसके ऊपर एक और स्टिक किया, उसके ऊपर पराठा बना, उसके ऊपर ऐसे हार्ट ऐसे बना बना के गया, और थोड़ा सा दिख रहा है ठीक है कि उसको खून निकला हुआ ऐसे. मैंने बोलती कि भाई आप क्यों एब्सेंट थे एक महीने, और हमारे हमारे क्लास में सबको पता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. क्लास में कुछ नहीं निकला, सॉस निकला. बोल ठीक है, घर वाले कैसे माने आपको घर पे? अरे नहीं यार ये भी तो रिकॉर्ड किया ना, घर वाले थोड़ी साइन कराई थी यार. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे ख्याल से, तूने पूछा था या किसी और ने मुझे उस दिन फोन करके पूछा था सर मम्मी पापा बाहर जा रहे घूमने, मैं जाऊँ क्या उसके साथ? किसी ने पूछा होगा ठीक है, सृष्टि ने पूछा देखा. लिटरली मैंने उसको बोला कि प्लीज जा ठीक है ना, में कोई दुनिया उल्टी फुल्टी नहीं होने वाली है. तुम लोग के दिमाग में क्या कैलकुलेशन चलता है ना, वो मुझे नहीं पता चलता कि तुम्हारे दिमाग में क्या कैलकुलेशन है कि पांच दिन में दस घंटे पढ़ाई कर लेंगे, पचास घंटे का लॉस हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा. बैकलॉग्स सबकी सिस्टम में आने हैं,
अगर अपने क्लास में आज 200 बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें से दो बच्चा ऐसा होगा जिसका कोई बैकलॉग नहीं होगा। सर मेरा नहीं है। तेरा नहीं है, तू दो के तो एक है, बाकी सबके बैकलॉग आने वाले हैं। तो बेटा उसको हैंडल करना सीखना पड़ेगा, बट उसको हैंडल करने के लिए मिलाते हैं फोकस ऑन। यस राहुल सर आप अभी जा सकते हो ऑफकोर्स। मैडम कल एक वापिस एक कहानी पढ़ा तेरे को बताऊंगा, ठीक है? पीपीटी में बच्चे को मैंने पकड़ा था, मतलब उसको मैंने क्या रीजन दिया था, बहुत अच्छी कहानी है। फिलहाल कंटिन्यू नहीं कर सकता बिकॉज़ मेरे को एक और क्लास मिला है, पर कल तुम याद करो सुबह उसकी कहानी राहुल जैसी है। आजू बाजू के सारी बेसिक्स कम्प्लीट हो गए, तो कल से अभी छोटा मोटा काम करना है कि अकाउंटिंग का फॉर्मेट लर्न करके आगे पढ़ना, ठीक है? चलो ठीक है।